कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने स्टेट टैक्स महकमा और ICAI के दरमियान मफाहमतनामे पर दस्तखत की, तकरीब में शिरकत की और कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में रियासती टैक्स अफसरान के लिए सलाहियत साजी के प्रोग्राम के अफ्तताही इजलास में भी शिरकत की। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने मनोज सिन्हा का रियासती टैक्स डिपार्टमेंट और ICAI के दरमियान मफाहमतनामे के तबादले का खैर मकदम किया है। एलजी ने कहा है कि रियासती महकमा टैक्स भी नौजवानों को सलाहियत साजी की तरबियत फराहम करने में अच्छा किरदार अदा कर रहा है। अब आवाम में टैक्सों के बारे में बेदारी फैलाई जा रही है और लोगों की तरफ से अच्छा रद्दअमल जाहिर किया जा रहा है। ICAI को जमीन फराहम की जाएगी। इन्होंने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि सब मुल्क की तरक्की और तामीर में अपना हिस्सा अदा करेंगे। देश के अनेक क्षेत्रों के इतिहास में हमने अनेक निर्णायक मोड़ देखे हैं जिन्होंने नए भविष्य की आधारशिला रखी है और जम्मू कश्मीर के लिए मैं समझता हूं कि 5 अगस्त 2019 वो एक ऐसा पल था जिसका इंतजार लंबे समय से था और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर ने अपनी जो यात्रा शुरू की उसके बाद तो केवल सबका साथ सबका विकास का ही मंत्र नहीं लागू हुआ, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल शासन व्यवस्था की नींव भी रखी गई जम्मू कश्मीर। हम सब जानते हैं कि GST ने 2017 में पूरे देश को आर्थिक रूप से एकीकृत करने का एक महती काम प्रारंभ किया, लेकिन सही मायने में जम्मू कश्मीर में अगस्त 2019 के पश्चात आर्थिक, क्षेत्रीय, प्रशासनिक और सामाजिक रूप से जम्मू कश्मीर देश के लक्ष्यों के साथ जुड़ सका। वन नेशन वन टैक्स ने टैक्स सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी तो जरूर पैदा की, टैक्स बेस बढ़ाने के एक बड़े लक्ष्य को भी उससे हम प्राप्त कर सके। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 3-4 वर्षों में अभी मेरे पूर्व नेताजी ने भी विस्तार से बताया, इसके मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन 3-4 वर्षों की यात्रा जम्मू कश्मीर की वो सुखद रही है और मुझे लगता है कि अब कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि ईमानदारी की ये जो सरल व्यवस्था ऐसी बना सके, ये ईमानदारी को अवसर दे, ईमानदारी से व्यापार करने वालों को गवर्नेंस के नए कल्चर से अवगत करावे और सालों से टैक्स सिस्टम में जो ग्रे एरियाज हैं काफी हद तक उसे समाप्त करने में हमें सफलता मिली है। जो विकास का असंतुलन है वो भी अगर हमने सही ढंग से इन सब चीजों को लागू किया तो उसमें भी हमें सफलता मिलेगी।